चलिए 19 तारीख का अब हम लोग मॉर्निंग क्यूज देख लेते हैं जो डेली करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है। बॉलीवुड के हॉरर फिल्म बनाने वाले जो फेमस डायरेक्टर थे उनका मौत हो गया है 67 के एज में। उनका नाम क्या है? श्याम रामड़े, मोनिका रे, जसवंत, राकेश टांडा। तो इनका नाम है श्याम राम रे और इन्होंने बहुत खतरनाक खतरनाक मूवी बनाई है। इसमें कुछ का नाम है पुरानी हवेली, पुराना मंदिर, अंधेरा, तो ये सब इनकी मूवी थी और इनका डेथ हो गया। इनके भाई भी इसी हॉलीवुड के हॉरर मूवी के लाइन में ही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? विनेश फोगाट, गीता फोगाट, पूजा टांडा। अच्छा, गीता फोगाट दो बार हो गया, नहीं होगा वो आंसर। पूजा टांडा क्या होगा आंसर? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी लगातार वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप चल भी रहा है। विनेश फोगाट 2020 में क्वालिफाई करने वाली, ये टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय रेसलर बन गई है। यूक्रेन की यूलिया खालवाजी को हरा दिया है इन्होंने और इसके बाद ही ये क्वालिफाई कर पाई हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ई सिगरेट पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इस कानून का अगर उल्लंघन किया जाता है तो किस तरह का पनिशमेंट है? पहली बार करने पर, दो बार, पहली बार के बाद अगर कोई करता है तो वो अलग पनिशमेंट है। 1 साल की कैद 1,00,000 रुपये जुर्माना, 2 साल की सजा 2,00,000 जुर्माना, 3 साल की सजा 3,00,000 जुर्माना और 4 साल की सजा, क्या है आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर पहली बार गलती करता है तो पहला याद रखिएगा 1 साल की कैद या 1,00,000 का जुर्माना। लेकिन अगर ये गलती पहली बार नहीं होके दूसरी बार होती है, सेकेंड टाइम, तो सजा बढ़ जाएगा 3 साल की सजा और 3,00,000 रुपये, सॉरी 3 साल की सजा 3,00,000 नहीं 5,00,000, ठीक है, सजा 3,00,000 ही है और पनिशमेंट जो है वो जो अगर पेनल्टी भरना पड़ा तो वो 5,00,000 का होगा। तो ये है केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब ई सिगरेट पूरी तरह से बैन है, ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना इंपोर्ट कर सकते हैं, ना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने बैन कर दिया उसको। गगनयान मिशन ने में इसरो के साथ देने के लिए किस संस्था ने, कौन से संस्था ने समझौता किया है? DRDO, HAL, IIT रुड़की, IIT दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO ने, अब आपको बताना है आंसर, आपको बताना है आंसर, ये बताना है कि DRDO के हेड कौन है और दूसरे गगनयान मिशन, सॉरी इसरो के हेड कौन है? DRDO के हेड कौन है, इसरो के हेड कौन है? DRDO, HAL, IIT रुड़की, तो यहाँ पे DRDO हो गया। और तीसरा एक और बताना है कि गगनयान मिशन इसरो कब तक, मतलब कब लॉन्च करने की योजना बना रहा है, किस साल, और इसके अंदर क्वेश्चन है कि नहीं देखने दीजिएगा, नहीं है। और चौथा एक और क्वेश्चन बताना है आपको आंसर, कि ये जो इसरो 2022 में गगनयान लॉन्च करने की योजना है इसकी, ये इस उस साल भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, ये भी बताना है साथ में, ठीक है। दोनों चीज बताना, तीन चीज को, तीन फैक्ट है, एक तो इसरो का हेड, उसके बाद DRDO का हेड और गगनयान कब छोड़ा जाएगा, और चौथा क्वेश्चन है आपके लिए कि 2022 में भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। चार क्वेश्चन है। देश के किसी भी सशस्त्र बल, कोई भी मिलिट्री फोर्स की जो महिला ऑफिसर हैं जिन्हें विदेश में सैन्य मिलिट्री डिप्लोमेट, ठीक है, नियुक्त किया गया है, क्या नाम है उनका? अंजलि सिंह, भवानी कंठ, लक्ष्मी व्यास और सुनीता चंद्रा। तो ये रिकॉर्ड बनाने वाली अंजलि सिंह है, अंजलि सिंह इस रिकॉर्ड को बनाया है, ठीक है। मैं ही बता देता हूं क्योंकि अब आज का करंट है। और इनको मास्को में, जो रूस का मास्को है, वहां पे अपॉइंट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। विराट कोहली के द्वारा T20 में 22 अर्धशतक, 22 हाफ सेंचुरी लगा दिया गया है, किसका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, मार्टिन गप्टिल। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, राइट। रोहित शर्मा ने 21 हाफ सेंचुरी लगाया है और ये जो मार्टिन गप्टिल हैं इन्होंने 16 हाफ सेंचुरी लगाया है। तो विराट कोहली नंबर 1, रोहित शर्मा नंबर 2 और ये जो गप्टिल साहब हैं T20 में हाफ सेंचुरी लगाने के मामले में तीसरे पोजीशन पर है।
गगनयान मिशन को इसरो के द्वारा कब तक अंतरिक्ष में भेजे जाने की योजना है? लो, ये तो क्वेश्चन का आंसर ही आ गया, 2020, 21, 22 और 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 2022, 2022 में भेजा जाएगा। बाकी क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं, बाकी जो सवाल है और उसके जवाब आपको देने हैं। उसके बाद अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनाए गए? जॉन बोल्टन, रॉबर्ट सी ओ ब्रायन, एल फिंस्टन, रॉबर्ट जूलियन, कौन बनाए गए हैं? तो रॉबर्ट सी ओ ब्रायन बनाए गए हैं, और जॉन बोल्टन को तो अभी हटा दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है, उनके जगह पर रॉबर्ट सी ओ ब्रायन आ गए हैं। उड़ीसा के तालचर उर्वरक संयंत्र, जो तालचर उर्वरक संयंत्र है उड़ीसा का, उसमें कोयला गैसीकरण का ठेका किस देश के इंजीनियरिंग किस देश के कंपनी को दिया गया है? किस देश के कंपनी? चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चीन की कंपनी है, चीन की इंजीनियरिंग कंपनी है, उसका नाम है वुहान, WHAN, वुहान नाम है उसका, उसको दिया गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो पक्का आना है आगे वाले एग्जाम में। भारत में कौन से खिलाड़ी ने हाल ही में सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश मोंगिया, दिनेश कार्तिक, रविचंद्रन अश्विन। दिनेश मोंगिया, जो 2003 में भारतीय वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा थे, उन्होंने संन्यास ले लिया। भारतीय पेट्रोलियम रिजर्व के अकॉर्डिंग जो भूमिगत भंडार है उसकी क्षमता कितनी है? अभी हमारे पास अभी 550 लाख टन, 55 लाख टन, 53 लाख टन और 58 लाख टन। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 लाख टन। टन 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 बस आज का इतना ही था कैंटरफेस्ट।